अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं सीड साइकिलिंग पर, जिसको सीड रोटेशन भी कहते हैं। आप में से वो तमाम फीमेल्स जिनको कि किसी भी किस्म का इनफर्टिलिटी का इशू है, थायराइड का प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, बाय द वे पीसीओएस और पीसीओडी सेम ही चीज़ें होती हैं, और किसी भी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस है या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एकदम से आपका वेट गेन हो जाना, फेस पर एक्ने का आ जाना, बालों का उतरने लग जाना, फ्रंटल बॉर्नेस हो जाना वगैरह वगैरह, तो आप में से जिस फीमेल को भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सीड साइकिलिंग का नाम ज़रूर सुना होगा। मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही सीड साइकिलिंग पर बात करें, सीड साइकिलिंग का हमें बता दें, तो आज की वीडियो में मैं इसी पर बात करूँगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो देखिए सीड साइकिलिंग होती है, दो साइकिल्स में डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं करूँगी, बहुत डिफ़िकल्ट ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करूँगी ताकि हर एक को समझ आ सके। और मैरिड फीमेल्स हैं, सिंगल फीमेल्स हैं, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी सीड साइकिलिंग आप करोगे कैसे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है अगर आप सीड साइकिलिंग कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर हम स्टेजेस की बात करें तो देखें, ये जो है ये पूरे महीने पर आपकी जो साइकिल है ये कंपोज करती है। वैसे फीमेल का जो साइकिल होता है, मंथली साइकिल होता है, वह 28 से 30 डेज़ का होता है। तो इसमें दो स्टेजेस होंगी, एक स्टेज होगी जिसको कहते हैं फॉलिकल फेज़, वो होगी डे वन ऑफ योर पीरियड्स टिल 14th, ठीक है। उसके बाद 15 से लेके 30 तक होगी नेक्स्ट फेज़। तो दो टाइप के सीड्स आप स्टेज वन में यूज़ करोगे, दो टाइप के सीड्स आप फेज़ टू में यूज़ करोगे। तो फॉलिकल फेज़ में जो आप लोग सीड्स यूज़ करोगे वो दो टाइप के होते हैं, एक हो जाता है फ्लैक्स सीड्स जिसको कहते हैं अलसी के बीज, और एक हो जाता है पम्पकिन सीड्स जिसको कहते हैं कद्दू के बीज। तो आपने ये दोनों सीड्स ले लेने हैं। इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल इस तरह करना है कि दिन में किसी भी टाइम आपने एक टेबल स्पून भर के अलसी का सीड खाना है और एक टेबल स्पून भर के आपने पम्पकिन सीड्स खाने हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो कैसे आप करोगे कि क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है कि हमें सीड्स सूट नहीं करते या हमें गर्मी हो जाती है, तो अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले महीने इस तरह करो, यानी ये जो पहले एक से लेके 14 तक का टाइम है इसमें आप टीस्पून से शुरू करो। एक टीस्पून आप कर लो अलसी का बीज, एक टीस्पून आप कर लो पम्पकिन सीड। फिर जब सेकेंड वीक सेकेंड मंथ शुरू होगा उसमें फिर आप टेबल स्पून पर आ जाना। तो ये हो गई आपकी फेज़ वन। अब आ जाता है 15 डे, ठीक है, 15वां दिन। 15वें दिन से लेके 30 तक आपने स्टेज टू में आ जाना है, और उसमें उसको कहते हैं ल्यूटियल फेज़, और उसमें आपने खाने हैं जी सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के सीड्स, और सेसमे सीड्स यानी कि तिलों के बीज जो होते हैं, तिल जो होते हैं वो आपने खाने हैं एक टेबल स्पून, और सनफ्लावर सीड्स भी आप खाओगे एक टेबल स्पून। अच्छा, अब यहाँ पर ये सवाल आ सकता है कि बहुत सी फीमेल जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है उनका साइकिल तो नॉर्मल नहीं होता, रेगुलर नहीं होता, अपने टाइम पर डेट्स नहीं आती, तो वो क्या करें? नो प्रॉब्लम, आप महीने की किसी भी महीने की जो, अब जैसे जुलाई तो ख़त्म हो गया है, आगे अगस्त आ रहा है, जो भी आप 1 से शुरू करें ताकि आपको पूरा हिसाब रहे। तो 1 डे ऑफ दैट मंथ से ले कर 14 डे ऑफ दैट मंथ स्टेज वन होगी, और 15 से लेके 30 तक स्टेज टू होगी, या जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं तब तक, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं अगर आप सीड साइकिलिंग शुरू करते हैं। बहुत आसान से आपने देख लिया कि कुछ भी नहीं इसमें करना, पंसारी की दुकान से आपको ये सारे सीड्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे, या किसी भी दुकान से आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमसे सीड्स नहीं खाए जाते, या 1 टेबल स्पून खाने से हमें गर्मी हो जाती है। नो प्रॉब्लम, आपने पहला महीना जब इनको खाना है आप 1 टीस्पून खाओ, सेकेंड महीना जब आप शुरू करोगे तब आप 1 टेबलस्पून पर ले जाना, क्योंकि तब तक आपकी बॉडी यूज टू हो गई होगी। साथ में अगर आपको प्रॉब्लम है कि गर्मी हो जाती है ये वो, तो आपने 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना है सीड साइकिलिंग के दौरान भी, और उसके अलावा भी पानी पिया करें यार, अच्छी बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोग कहते हैं हमसे खाए नहीं जाते। नो प्रॉब्लम, आप अपनी स्मूदीज़ में डाल सकते हैं, आप अपनी सैलड्स में डाल सकते हैं, आप अपने सूप में डाल सकते हैं, या सिंपली मुंह में आप रखो सीड्स को, ऊपर से पानी पी जाओ, हजम हो गया। किस टाइम करें? किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले। मेडिसिन खा रहे हैं उसके साथ हम खा सकते हैं, यस, अगर आप किसी भी किस्म की मेडिकेशन पर हैं आप खा सकते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए ऑफ कोर्स ये नहीं है।
इनको आपने रॉ फॉर्म में यूज़ करना है, ये नहीं कि जिस तरह से हम मूँगफली नमकीन खाते हैं या रोस्ट करके खाते हैं तो आपको कि इनको हम रोस्ट कर लें या इनमें थोड़ा सा नमक डाल के इनको भून लें, नहीं, आपने इनको एज इट इज़ रॉ फॉर्म में खाना है। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपने इनको ग्राइंड करके नहीं खाना। बहुत से लोग आपको मशवरा भी देते होंगे ग्राइंड करके खाएं, लेकिन देखें ये है आपका सीड, जब आप इसको ग्राइंड करोगे ना तो ये श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि जहाँ पर आपने एक टेबल स्पून उस सीड के खाने थे, हो सकता है क्योंकि वो पाउडर बन चुका है, तो आप जब एक टेबल स्पून उस पाउडर का लेते हो तो उसमें दरअसल एक टेबल स्पून ना हो, वो दो टेबल स्पून के बराबर हो। तो इसलिए आपने रॉ फॉर्म में खाने हैं और एज इट इज़ ही खाने हैं, ग्राइंड नहीं करने। होप आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अरे हाँ, एक और क्वेश्चन कि हम कितना टाइम खाएं। देखिए, अगर आपको हल्की फुल्की बीमारी है ना, ठीक है, हल्का फुल्का आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो 1 से 3 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है या काफ़ी पुराना प्रॉब्लम है तो आप कम से कम इसको 3 से 6 महीने ज़रूर खाओ, ठीक है। 3 महीने तो आपने हर सूरत में देने ही देने हैं, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओ, एक दफ़ा चेकअप करवाओ, अपने टेस्ट वगैरह करवाओ, आपको पता चल जाएगा कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।